बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साल प्रोग्राम के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज किस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे एहसास के 81 कोड के बारे में, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जिन ख्वातीन हजरात को जांच पड़ताल का मसला पेश आ रहा है वो ख्वातीन हजरात क्या करें। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप दोस्तों के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं 81 कोड के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। 81 जो है ये कोड, आप मैसेज पे आप शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करेंगे इस पर। जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया वो लोग मैसेज कर लें, जिन लोगों ने मैसेज कर दिया उनके लिए तो खुशखबरी की बात है, क्योंकि 81 कोड को दोबारा से पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया है। और आपको इस कोड के ज़रिए जो है आप इस आज की ट्रैकिंग वेबसाइट पर विज़िट कर लें। ठीक है, जिन अफराद ने दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर 81 पर सेंड नहीं किया वो दोबारा सेंड करते हैं, क्योंकि साथ प्रोग्राम के साथ बेनज़ीर प्रोग्राम को भी शुरू कर दिया गया है। बेनज़ीर प्रोग्राम जो है ये भी वसी पैमाने तक फैलाया जा रहा है इसको, और जितने ख़वातीन इसमें तकरीबन 8,20,000 लोगों को दोबारा से शामिल किया जा रहा है, तो इनमें से आप भी हो सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो कर लें, क्योंकि अभी अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, तो अगर आप कर लेंगे तो आपका नाम इसमें आ जाएगा, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप लाजमी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इस आज की ट्रैकिंग वेबसाइट पर जाकर आप अपने यहाँ पे इसकी अहलियत वगैरह हमारे मालूम भी कर सकते हैं। जो लोग नाअहल हो चुके हैं वो लोग भी ये काम लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर बैठे सर्वे कैसे